है, उसको कहीं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ शी कैन रिकॉग्नाइज एवरीथिंग। सामने से भी अपन इसको ट्राई कर सकते हैं कि दिखता है कि नहीं दिख रहा है, और ये बिल्कुल सामने से भी हर चीज बता सकती है। बेटा कितने हैं? नया समाज बनाए लेसन नंबर 8। इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़, अपने पन की कड़ियाँ जोड़े, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए, आओ नया समाज बनाए, इस माटी को कण कण चंदन, इसे करे हर शत शत वंदन, नई रोशनी की किरणें बन, आज सदा से हर घर आंगन, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए, आओ नया समाज बनाए, श्रम को जीवन मंत्र बनाए, उच्च नीच का भेद मिटाए, भारत माता के हम। इनके हाथ में क्या है मैडम? अब आपके पिताजी की बात आ रही है, यहाँ से क्या है? यस रोलिंग। आपका नाम? दीक्षा जोशी। दीक्षा कैसे कर पाती हूँ सारा कुछ? ये सारा कुछ मेडिटेशन और म्यूजिक का एक मिक्सअप है। इसमें एक 45 मिनट्स का मेडिटेशन होता है जिसमें हमें पूरा अपना ध्यान उस म्यूजिक पे लगाना होता है। देन बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, आई जिम, ब्रेन जिम, इसके बाद बच्चे हर ये सब कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर लेती हो? मैं कोई भी कलर पहचान लेती हूँ, किसी भी इंसान को पहचान लेती हूँ, आर्चरी कर लेती हूँ, स्केटिंग चला लेती हूँ, स्कूटी चला लेती हूँ, एंड ऑल द थिंग्स दैट जो आप लोग खुले आँख से करते हैं। अब तक कौन कौन से अवार्ड या रिवार्ड मिल चुके हैं आपको? मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जिया मीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, और दो भी आने बाकी हैं, दैट गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, रियल बुक ऑफ रिकॉर्ड। कितना टफ होता है इतना सारा कुछ सीखना? फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, देन बाद में जब सीख जाते हैं तब थोड़ा इजी हो जाता है।
दिलकेश जोशी नाम है मेरा। मिडब्रेन एक्टिवेशन इस पूरी कोर्स का नाम रहता है। इसमें म्यूजिक और मेडिटेशन दोनों को हम मिक्सअप करके बच्चों को सिखाते हैं, और इजी वे में इसको बच्चों को सिखाया जा सकता है, लेकिन एक लंबी साधना इसमें ज़रूरी होती है जिसमें कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, और उसके बाद हम बच्चे को एक प्रॉपर वे में काम कराते हैं, उसको सिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी साधना में कठोरता जरूरी होती है इसमें। हमने डिब्रूगढ़ आसाम में प्रेजेंटेशन दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन उसका हुआ है, इसके बाद में उदयपुर में कई जगह पर प्रेजेंटेशन रहा है हमारा, यहाँ पर बाड़मेर में अभी हम आए हुए हैं इसको दिखाने के लिए, और कई संतों ने, कई राजनीतिक के लोगों ने इस चीज़ को देखा है और काफ़ी अप्रिशिएट किया है इसको। ये आंखों पर स्टिल ब्लाइंड फोल्ड बांध करके वो सारे काम कर लेते हैं जो आप और हम लोग खुली आंखों से करते हैं, जैसे कलर को पहचानना है, किसी किताब को पढ़ना है, किसी व्यक्ति को 100 से 200 फीट दूरी से भी पहचान लेती है आराम से। अभी ये स्कूटी चला लेती है, आर्चरी कर रही है और स्केटिंग वगैरह कर लेती है, और अभी ये बैडमिंटन भी रिसेंटली सीख रही है, और शॉर्टली वो इसको भी सीख करके इसको लेकर आएगी।